टॉप 10 हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया। एक, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झरने की ऊंचाई 1493 फीट है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में अगुम्बे के पास स्थित है। सबसे बड़ा जलप्रपात वाराही नदी द्वारा निर्मित है। अगुम्बे घाटी भारत के उन स्थानों में से एक है जहां बहुत भारी वर्षा होती है, और भारत में इसका एकमात्र स्थायी वर्षा वन अनुसंधान केंद्र है। दो, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बरेही पानी जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात मयूरभंज में ओडिशा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के ठीक केंद्र में है और 1309 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह जलप्रपात गहरे हरे भरे जंगल के एक दलदल में बसा हुआ है, जो इसे ट्रेकर्स और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों की यात्रा के लिए आदर्श बनाता है। यह झरना बुद्धबलंगा नदी पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह जलप्रपात अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, जो इसे ओडिशा में जोड़ता है। तीन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नौकलिकाई जलप्रपात। नौकलिकाई जलप्रपात भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह चेरापूंजी के पास स्थित है, जो मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में पृथ्वी के सबसे नम स्थानों में से एक है। चेरापूंजी पहाड़ियों, वर्षा, जीवित पुलों और संतरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मेघालय के अन्य सबसे ऊंचे और लोकप्रिय जलप्रपात नोहसिंगथियांग फॉल और किनरेम फॉल है। चार, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहसिंगथियांग जलप्रपात। मेघालय में नोहसिंगथियांग जलप्रपात मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में चौथा सबसे बड़ा झरना है। यह जलप्रपात 1033 फीट की ऊंचाई से अलग अलग धाराओं के संगम के तुरंत बाद बनता है। पाँच, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर झरने को दूध के सागर के रूप में भी जाना जाता है, जो अपने शानदार प्रक्षेपवक्र के लिए प्रसिद्ध है। दूधसागर भारत का पांचवा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो 1020 फीट की ऊंचाई से गिरता है। दूधसागर जलप्रपात स्पष्ट रूप से देश के सबसे लोकप्रिय झरनों में से एक है और अपने विदेशी समुद्र तटों के अलावा गोवा का एक बड़ा पर्यटक आकर्षण है। छह, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किनरेम जलप्रपात। यह भारत में शीर्ष 10 सबसे ऊंचे झरनों की सूची में मेघालय का एक और जलप्रपात है। यह मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में चेरापूंजी के एक अन्य लोकप्रिय आकर्षण थंगखारम पार्क के नाम से जाने जाने वाले एक खूबसूरत पार्क के अंदर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1001 फीट है। सात, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात मीनमुट्टी जलप्रपात। मीनमुट्टी जलप्रपात केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और केरल के वायनाड जिले में लगभग 980 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला सबसे सुंदर झरनों में से एक है। यह दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। चोटी अपने जंगल के लिए प्रसिद्ध है और वायनाड में मीनमुट्टी जलप्रपात सबसे बड़ा और सबसे शानदार झरना है। आठ, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात थलाइयार जलप्रपात। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित थलाइयार जलप्रपात को इसके आकार के कारण चूहे की पूंछ के रूप में भी जाना जाता है। यह 974 फीट की ऊंचाई से सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है। सबसे चौड़ा जलप्रपात अपनी खतरनाक जगह और अंधेरी गुफाओं के लिए बहुत लोकप्रिय है। इस स्थान का अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। नौ, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में सीता नदी द्वारा निर्मित है और केवल बरसात के मौसम में दिखाई देता है। शिमोगा जिले में अगुम्बे पश्चिमी घाट के घने जंगल से घिरा हुआ है और दक्षिण भारत के चेरापूंजी के रूप में जाना जाता है। 10, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। कर्नाटक में शिमोगा जिले की शरवती घाटी में शरवती नदी द्वारा निर्मित जोग जलप्रपात।
यह 829 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है। यह सबसे प्रभावशाली और भारत में सबसे ज्यादा गिरने वाले झरनों में से एक है। यह दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए एक अद्भुत स्थान है और भारत के 10 सबसे ऊंचे झरनों में गिना जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।